यूपी के पीलीभीत जनपद से बड़ी खबर आ रही है। ग्रामीणों ने पुलिस पर बोला हमला, मची अफरा तफरी, एक कांस्टेबल की हालत गंभीर, धर पकड़ जारी। पीलीभीत के थाना बिलसंडा पुलिस को लॉकडाउन का पालन कराना काफी महंगा पड़ा। ग्रामीणों ने पुलिस कर्मियों पर लाठी डंडों से हमला बोल दिया। पुलिस कर्मियों ने खेतों के रास्ते भागकर बमुश्किल अपनी जान बचाई। ग्रामीणों की मारपीट में घायल हुए पुलिस कर्मियों के उपचार के लिए बिलसंडा CSC में भर्ती कराया गया, जहां एक सिपाही की गंभीर हालत होने के कारण जिला अस्पताल रेफर किया गया। वहीं पुलिस पर हमले की सूचना पर थाना बिलसंडा सहित कई थानों की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गांव की घेराबंदी कर कुछ ग्रामीणों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल थाना बिलसंडा पुलिस मामले में 23 नामजद और 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी ग्रामीणों की धरपकड़ में जुटी हुई है। वहीं आला अधिकारी मामले में पूर्ण रूप से चुप्पी साधे हुए हैं। बिलसंडा क्षेत्र के भीकमपुर में सुनील फौजी रोड किनारे शराब पीकर घूम रहा था। ईट गांव की तरफ से 4 सिपाही ड्यूटी पर निकले थे, जिन्होंने सुनील को घर जाने को कहा था। इसी बात पर सुनील और सिपाहियों के बीच तकरार होने लगी और मामला तूल पकड़ गया। सिपाही सोनवीर बरुण निवेश शर्मा रघुनाथ पर गांव वालों की मदद से हमला बोल दिया। पूरे गांव ने सिपाहियों को लाठी डंडों लात घूसों से बुरी तरह पीटा। बामुश्किल सिपाहियों ने खेत में दौड़कर अपनी जान बचाई और भागते भागते थाने में फोन किया। सूचना मिलते ही थाना बिलसंडा सहित कई थानों की पुलिस फोर्स भीकमपुर गांव पहुंच गई। बताया जाता है कि ग्रामीणों ने पुलिस फोर्स पर पथराव भी किया। पुलिस फोर्स ने घेराबंदी कर कुछ ग्रामीणों को हिरासत में लिया है और मामले की रिपोर्ट दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई में जुटी हुई है। वहीं पुलिस अधिकारी इस मामले में कैमरे पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। इंडिया पावर न्यूज के लिए पीलीभीत से मोहम्मद आरिफ खान की। बिलसंडा की घटना संज्ञान में आई है, जिसमें लॉकडाउन का पालन कराने के पुलिस कर्मियों से कुछ लोग अनावश्यक ही उलझ गए। उक्त घटना पर FIR दर्ज करके उचित वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। लोगों से मैं ये अपील करूंगा कि हम आपकी सुरक्षा के लिए हैं, लॉकडाउन का पालन कराने में हमारी मदद करें।